कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी टेक, आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। इंदौर जो है कोरोना के संक्रमण से लाचार है और लाचार इंदौर के लिए विदेश से आई मदद। जी हां, 24 घंटे के अंदर विदेश से आई मदद इंदौर को लेकर, और ये मदद जो ऑक्सीजन की कमी के चलते आई, 45 कंसंट्रेटर मशीन जो है वो नीदरलैंड से भेज दी गई इंदौर के लिए ताकि इंदौर को राहत मिल जाए। इसके आगे क्या वो आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। नीदरलैंड से जो मशीन 24 घंटे में हमारे देश पहुंच गई, उसे अपने देश में मुंबई से इंदौर आने में 48 घंटे लग गए। सोचिए आप, ये आलम कैसे लग गए मैं आपको बताता हूं। दरअसल नीदरलैंड की तरफ से जो मशीनें आई थी वो पहुंच तो गई मुंबई 24 घंटे में, की आवश्यकता है इंदौर के लोगों को, लेकिन यहां तक आते आते टैक्स और नियम के कायदों में ऐसी उलझी मशीन है कि इंदौर आने में 48 घंटे लग गए। कैसे ये मशीनें आ रही थी मैं आपको बता दूं। दरअसल इंदौर की जो सीए संस्था है उसने, वो विदेश में रहने वाले इंदौरियों ने अपने शहर के लिए कदम उठाया, मदद की सोची, कुल 30 लाख रुपए जमा किए गए, 18 लाख विदेश में रहने वाले इंदौरियों ने जोड़े, 12 लाख यहाँ के लोगों ने जो इंदौर में रहने जोड़े, 45 लाख की लागत से ये मशीन बुलवाई गई, और ये मशीन बुलवाई गई और नीदरलैंड से आ भी गई। कैसे उलझ गई ये नियम कायदों में, जरा उनसे सुनिए जिन्होंने संस्था ने पहल की थी, सीए संस्था के जो पदाधिकारी वो बता रहे, सुनिए। गुड्स रिमूवल की प्रोसेस स्टार्ट की गई, परंतु पेमेंट कस्टम पोर्टल पे कुछ समस्या के चलते रिफ्लेक्ट ना हुआ और रात को 11 बजे वो पेमेंट कस्टम विभाग को रिफ्लेक्ट हुआ। और क्योंकि रात बहुत हो गई थी, मुंबई में लॉकडाउन था, लॉकडाउन के चलते हमें वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टर नहीं मिला। अगले दिन सुबह 10:30 बजे के लगभग हमारे लिए गाड़ी की व्यवस्था हुई और उस मिनी ट्रक से गुड्स जो है वो इंदौर के लिए निकला, परंतु समस्या ने यहीं पर हमारा साथ नहीं छोड़ा और उसे, उस व्हीकल को जो है महाराष्ट्र बॉर्डर पर कुछ ऑफिसर्स ने रोका, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स ने, और 3-4 घंटे के बाद जो है उस गुड्स को रिलीज़ किया। और इन सब के चलते, क्योंकि महाराष्ट्र बॉर्डर पर ही रात हो गई थी, तो ड्राइवर ने महाराष्ट्र के नाइट स्टे किया और दूसरे दिन मॉर्निंग में जो है इंदौर के लिए ट्रक लेकर रवाना हुआ। तो ये सब के चलते जो लगभग गुड्स 3 तारीख को 3 बजे इंडिया आया था, वो हमारे यहाँ पर इंदौर 5 तारीख की 12:30 बजे पहुँचा। बहुत दुखद। सुना आपने, वो खुद बता रहे हैं इस तरीके से कि नियम कायदों में आते आते इंदौर में मशीन को 48 घंटे लग गए। दरअसल हुआ ये कि इन सब लोगों ने कोशिश की थी कि इंदौर को मदद मिले, नीदरलैंड की सरकार ने गंभीरता समझी, वहां की सरकार ने तुरंत इन मशीनों को भारत भिजवा दिया 24 घंटे में। 7,000 किलोमीटर दूर, सोचिए 7,000 किलोमीटर दूर से मशीन मुंबई आ जाती है, लेकिन 7,000 किलोमीटर तो इतना लंबा फासला, और यहाँ देश के अंदर ही जाने में इस मशीन को 48 घंटे लग गए, नियम कायदे चलते रहे। तो ये स्थिति जब सामने आती है तो कई बार सवाल हो जाते हैं, आप देखते रहें।